वेलकम टू एग्ज़ाम स्कोर्स। तो आज हम नए टॉपिक के साथ अपनी नई वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ, लिटरेचर का एक बहुत ही जाना माना नाम। वर्ड्सवर्थ एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई स्टेट के TGT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रेजुएट टीचर्स के गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्ड्सवर्थ के वर्क्स, लाइफ, उनके फैमिली, एजुकेशन, रेजिडेंस, ये सब से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस आते हैं इनमें। सो हम स्टार्ट करते हैं, आज उनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं, जिसमें उनकी फैमिली, एजुकेशन और उन्होंने रेजिडेंस, उनके जो उन्होंने बहुत रेजिडेंस चेंज किए थे, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो फाउंडर थे इंग्लिश रोमांटिसिज्म की। इंग्लिश रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी उन्होंने, और एक तरीके से हम उन्हें नेचर लवर भी कह सकते हैं। उनके जितने भी वर्क हैं उनमें हमें प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है, और वो बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर थे। सो स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बॉर्न एट कॉकरमाउथ इन कम्बरलैंड UK ऑन 7th April 1770। सो ये डेट हमें याद रखनी है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 7 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ कम्बरलैंड, जो कि UK में है, वहाँ पर हुआ था। ही वॉज द सेकेंड ओल्डेस्ट चाइल्ड आउट ऑफ 5। अपने 5 भाई बहनों में से वो दूसरे सबसे बड़े चाइल्ड थे। वेन हिज फादर वॉज डाइड 1783, ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। वो बहुत छोटी उम्र के थे जब वो अनाथ हो गए। पहले उनकी माता की मृत्यु होती है, तो ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में। सो हमें ये याद रखना है कि उनकी मदर की जो मृत्यु हुई थी वो 1778 में हुई थी। तो 1778 में उनकी माता की मृत्यु हुई, और उसके बाद उनके फादर की डेथ होती है 1783 में। 1783 में जब उनके पिता की मृत्यु होती है तब वे केवल 13 वर्ष के थे। इन 1795 ही रिसीव्ड अ लेगेसी ऑफ £900 फ्रॉम रेजले कैलवर्ट एज अ पोइट इन इंग्लैंड। तो 1795 में उन्हें एक लेगेसी मिली, यानी कि विरासत मिली, जो कि उन्हें रेजले कैलवर्ट ने दी थी, जो उस समय पर इंग्लैंड में एक बहुत ही जाने माने पोइट थे। तो उनसे 900 रुपये की जो विरासत इन्हें मिली, उसे इन्हें काफ़ी हेल्प मिली। नाउ अब उनके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, उनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो वो पेशे से वकील थे एंड अ रेंट कलेक्टर फॉर लॉर्ड लैंसडेल, और लॉर्ड लैंसडेल के लिए वो रेंट कलेक्ट किया करते थे। हिज मदर एंड कॉक्सन वर्ड्सवर्थ वॉज अ लेडी ऑफ मॉरल थाट। उनकी माता का नाम एने कुकसन वर्ड्सवर्थ था, और वो नैतिक विचारों की महिला थी। ही बिकेम एन ऑर्फन वेरी सून। सो जैसे कि एज वी डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट दिस, कि बहुत ही जल्दी वो अनाथ हो गए थे, माता पिता दोनों का साया खो चुका था, एंड हैव टू डिपेंड अपॉन हिज अंकल। तो उन्हें अपने जीवन के लिए डिपेंड रहना पड़ा अपने अंकल पर, क्योंकि माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी, तो उन्हें अपने अंकल पर डिपेंड रहना पड़ा। ही हैड 4 siblings, उनके 4 भाई बहन थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: रिचर्ड वर्ड्सवर्थ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ के वो बहुत ही करीब थे, उनके साथ उन्होंने कई वर्क में भी अपने चर्चा की है डोरोथी के बारे में। ओके, नाउ उनकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं हम। ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट हॉक्शेड। तो सबसे पहले उन्हें स्कूलिंग के लिए ग्रामर स्कूल में भेजा गया, जो कि हॉक्शेड में था। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 1776 में उनको ग्रामर स्कूल में भेजा गया था, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने कई साल बिताए और अपनी स्कूलिंग पूरी की। He entered St. John's College, Cambridge in 1789. स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने St. John's College में एडमिशन लिया, एंट्री ली अपने ग्रेजुएशन के लिए। तो 1789 वो सन है जब उन्होंने St. John's College में एंट्री की। He was graduated in regular form. Regular form मतलब डेली जाना, regular form में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और 1791 तक उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। 89 में एडमिशन लिया और 91 में उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी रेगुलर फॉर्म। एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और उनके बारे में एक खास बात ये कि उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसके लिए आपको ये जानना भी जरूरी है कि वो फ्रांस सबसे पहली बार कब गए और
जब उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, तो वो पहली बार ही गए थे तब की बात है या दूसरी बार गए थे तब की बात है? तो सबसे पहली बार जब वो फ्रांस गए तो वो सन था 1790, तो 1790 में उनका पहला टूर था फ्रांस का, और सेकेंड टाइम वो 1791 में जाते हैं और तब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. हिज टीचर विलियम टेलर इंस्पायर्ड हिम टू कंपोज पोएट्री. उनके एक टीचर थे विलियम टेलर नाम के, जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया पोएट्री कंपोज करने के लिए, तो लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया विलियम टेलर ने. नाउ हिज रेजिडेंस, अब उनके रेजिडेंस के बारे में बात करते हैं. ही एंड हिज सिस्टर डोरोथी सेटल्ड एट रेस डाउन इन डॉर्सेटशायर इन 1795, विच वॉज इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. तो सबसे पहले वो और उनकी सिस्टर डोरोथी, जिनके वो बहुत क्लोज थे, वो सेटल्ड हुए रेस डाउन में, जो कि डॉर्सेट शायर में था. और ये कब की बात है? ये 1795 की बात है. 1795 में वो और उनकी बहन डोरोथी सेटल्ड हो जाते हैं रेस डाउन में, जो कि डॉर्सेट शायर में था, और ये पार्ट था इंग्लैंड का साउथ वेस्ट पार्ट. ठीक है, ये साउथ वेस्ट में स्थित था पार्ट डॉर्सेट शायर रेस डाउन. तो यहां पर सेटल्ड हुए थे वो और उनके सिस्टर 1795 में. और 1795 एक बहुत ही खास बात हुई, जो एसटी कॉलरेज उनके बहुत ही क्लोज मित्र थे, उनसे वो पहली बार 1795 में ही मिले थे. ही मेट कॉलरेज इन 1795, तो कॉलरेज से वो मिले 1795 में ही इन ब्रिस्टल फॉर द फर्स्ट टाइम. लेकिन जगह का नाम ब्रिस्टल है, तो ब्रिस्टल में पहली बार वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं एसटी कॉलरेज से, बिफोर फॉर्मिंग अ फ्रेंडशिप विच रिजल्टेड इन लिरिकल बैलेड्स ऑफ 1798. तो जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मित्रता के होने के बाद उन दोनों का एक कोलैबोरेशन वर्क आता है लिरिकल बैलेड्स के नाम से 1798 में, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ था. सो यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि 1798 में लिरिकल बैलेड्स आया था, जो कि एक तरीके से उन दोनों का ही कोलैबोरेट वर्क था. Okay. After that, he moved to Alfoxden in the adjoining county of Somerset near St. Coleridge. So, इस चीज के बाद, यानी कि 1795 में जब उनकी फ्रेंडशिप हो गई St. Coleridge से, उसके बाद वो मूव कर गए Alfoxden में. ये जगह जो थी वो St. Coleridge के पास ही थी Somerset में. तो Somerset के आसपास काउंटी में Alfoxden में जाकर के वो शिफ्ट हो गए. इसके बाद आफ्टर सम टाइम ही मूव्ड टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद वो लेक डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए. इन दिसंबर 1799 वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी मूव्ड टू डफ कॉटेज ग्रासमेयर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, वेयर दे स्पेंट ओवर 8 years ऑफ प्लेन लिविंग बट हाई थिंकिंग फ्रॉम 1799 to 1808. उसके बाद लेक डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होने के बाद दिसंबर 1799 में, यानी कि 1799 में, वर्ड्सवर्थ और डोरोथी दोनों मूव ऑन कर गए डफ कॉटेज में. ठीक है, जो कि ग्रासमेयर में था, लेक डिस्ट्रिक्ट में ही था इंग्लैंड के, जहां पर उन्होंने लगभग अपनी जिंदगी के 8 साल गुजारे. और एक तरीके से उस टाइम पर प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के 8 साल वहां बिताए, 1799 से 1808 तक. ही मेड his last change of residence to Rydal Mount, where he spent the longest time. So last जो उनका change था residence का, वो था Rydal Mount, जो कि जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी का लंबे समय गुजारा. तो ये उनका last change था residence का, Rydal Mount, जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा समय गुजारा. तो उनके रेजिडेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं और बहुत से उनके रेजिडेंस भी चेंज हुए हैं, तो इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं. आगे वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के बारे में, उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें हम आगे आपके सामने बात करेंगे कि जब वो फ्रांस गए थे तो उनका एक अफेयर बहुत फेमस था, जो कि जिनसे उनकी एक बच्ची भी पैदा हुई थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे उनके लाइफ के बारे में. सो Wait for the next video and thanks for watching the video.